हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं कराची, दुबई से कराची। तो इस वक्त हूँ मैं अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से मैं मेट्रो लूँगा बुर्जवान के लिए, बुर्जवान से फिर हम जाएंगे डायरेक्ट एयरपोर्ट टर्मिनल वन, वहाँ से मेरी आई फ्लाइट। सो फ्रेंड्स, वी रीच ऑलरेडी देयर एट बुर्जवान मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम मेट्रो चेंज करेंगे, मेट्रो चेंज करने के बाद यहाँ पर से हम जाएंगे एयरपोर्ट टर्मिनल वन। हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल वन, एयरपोर्ट टर्मिनल वन, दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल वन पर पहुंच चुके हैं। और यहां से ये मैं अभी बोर्डिंग कराऊंगा, बोर्डिंग कराने के बाद फिर इमिग्रेशन के काउंटर पर हम जाएंगे, वहां से फिर अपनी फ्लाइट की तरफ रवाना होंगे। और आप ये देख सकते हैं कि हमारी PIA की फ्लाइट 8:30 पर कराची के लिए रेडी है। तो देख रहे हैं काउंटर नंबर 2 पर, तो यहाँ से हम अपना बोर्डिंग करवाएंगे। तो ये बोर्डिंग के लिए लोग यहाँ पर रेडी हैं, द पीपल आर रेडी फॉर बोर्डिंग। हम इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहे हैं और ये इमिग्रेशन जैसे ही हम इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंचेंगे तो मुझे यकीनन अपना कैमरा बंद करना होगा, क्योंकि इमिग्रेशन काउंटर पर वीडियो या फोटो बनाना यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो फिर इमिग्रेशन के बाद मैं आपसे दोबारा मिलूँगा और आपको एयरपोर्ट के अंदर के मज़ीद मामला दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम इमिग्रेशन कराने के बाद अब हम टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जहाज़ में जाकर बैठेंगे। और जहाज में बैठने से पहले मैं आपको कुछ वहाँ के मनाज़िर दिखाऊंगा, दुबई टर्मिनल वन के एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल वन के। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप ये कि यहाँ पर भी टर्मिनल वन एयरपोर्ट पर मेट्रो की सर्विस है, जो कि आपको जहाज़ तक लेके जाएगी। तो हम इस मेट्रो के ज़रिए एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। और ये मेट्रो हम आ चुके हैं इस वक्त, और अब इस ट्रेन ने आकर जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको छोड़ा है यहाँ पर। और इसके बाद अब इस तरफ से दरवाजे खुलेंगे, जो कि जाने वाले मुसाफिर इसमें चढ़ जाएंगे और फिर ये आपको एयरपोर्ट तक, आपके मतलूबा जहाज तक आपको ये मेट्रो लेकर जाएगी। यस, थैंक यू वेरी मच। दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से हम अपने मतलूबा जो कि हमारा जहाज़ जिस नंबर पर खड़ा हुआ है वो नंबर यहाँ पर जाकर चेक करने के बाद तो वहाँ पर हम अपने जहाज़ में जाकर बैठेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत टाइम है, तो वेटिंग रूम में हमें बैठना पड़ेगा यहाँ पर ना।
सकते हैं कि आप हमें सब वेटिंग एरिया में आ गए हैं यहाँ पर वेटिंग एरिया, और यहाँ पर मालूम करेंगे अपना बोर्ड पर जाकर के हमारी फ्लाइट कौन से गेट पर है। तो फ्रेंड्स देखें कि इस वक्त कराची की जो फ्लाइट है इसका गेट अभी तक लगा नहीं है, गेट अभी तक डिफाइन नहीं किया है कि कौन से गेट पर हमें, तो हमें यहाँ पर वेटिंग एरिया में हमें वेट करना पड़ेगा। तो जब तक ये कि हम कुछ और वीडियोस बनाते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं कि कौन से गेट पर जाना है, और ज़्यादातर यहाँ पर पाकिस्तानी लोग हैं जो कि पीआईए से सफ़र कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ड्यूटी फ्री की तरफ से ये कार रखी गई है, और जो लोग यहाँ से ड्यूटी फ्री शॉप से जो शॉपिंग करते हैं जो लोग, और उनके लिए यहाँ पर महाना एक लकी ड्रा होती है, उस लकी ड्रा में ये कार गिफ्ट दी जाती है। जो भी खुश नसीब और विनर जो होते हैं उनको ये गाड़ी दी जाती है। फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस वक्त D10 गेट नंबर पर, जहां पर PIA का जहाज लगा हुआ है, और इस गेट से हम अपने जहाज पर जाएंगे और कराची रवानगी होगी। हैं PIA की 224 फ्लाइट में, और इस वक्त हम दुबई से कराची की तरफ रवाना हैं। फ्लाइट होने में सिर्फ 5-10 मिनट। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने का आपका। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और फीडबैक दीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोशिश कीजिए कि दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।